कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में पेश होने के लिए यूपी के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। इस दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि मुझे सियासी वजहों से फंसाया गया है, केवल और केवल मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राहुल की पेशी विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय में पेश हुई। पेशी के दौरान न्यायाधीश ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्यों चला मुकदमा। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझे राजनीतिक वजहों से फंसाया गया है, मैंने बेंगलुरु के पत्रकार वार्ता में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा, ये सारा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है, सरकार के दबाव में आकर मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया गया है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कभी भी किसी गलत भाषा का प्रयोग करके मानहानि नहीं की है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरोप लगाया गया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सफाई दी और खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इस दौरान दोनों पक्षों की वकील अपने अपने सबूत और गवाहों को पेश करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि राहुल गांधी इस सुनवाई में मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं राहुल गांधी के एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ल ने पूरे मामले पर कहा कि 10 मिनट की कार्यवाही में राहुल गांधी के बयान को दर्ज किया गया, वहीं दूसरे पक्ष से कोई मौजूद नहीं था। एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ आज बयान मुलजिम दर्ज करने हेतु नियत था। माननीय राहुल जी आए न्यायालय में समय के मुताबिक, जैसे उन्होंने वादा किया था। संसद चल रही थी और संसद सत्र के समय को छोड़ करके उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने आए और न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमे में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2024 अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत की गई। बयान जो दर्ज कराया उन्होंने, तो उसमें क्या वो माने कि उन्होंने जो बयान दिया था जो कहा जा रहा उन्होंने तो? कहा, माननीय राहुल जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं इससे मैं इनकार करता हूं और ये सारे आरोप जो लगाए गए हैं ये राजनीतिक दुर्भावना से मुझको और मेरी पार्टी की छत को नष्ट करने के लिए लगाए गए। ठीक है, कलमबंद बयान था क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज वो कलमबंद ही आप उसको समझ सकते हैं, वो न्यायालय रिकॉर्ड करती है उस स्टेटमेंट। अगली सुनवाई जो 12 अगस्त 12 अगस्त को अगली सुनवाई साक्ष्य के लिए है। अभियोगी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, मेरे द्वारा उसे प्रतीक्षा की जाएगी, बाकी जो नतीजा होगा इस भविष्य में आपको सूचित किया जाएगा। जी, एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं, किस तरीके से क्या सुनवाई हुई आज? माननीय एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उनका बयान रिकॉर्ड होना था, ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। क्या रहा आगे की? उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और ये कहा कि हमारे ऊपर जो भी मुकदमा हुआ है ये पॉलिटिकल रंजिश के कारण हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने हमसे एविडेंस के लिए पूछा, हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो 12 अगस्त की तारीख एविडेंस में लगाया है, 12 अगस्त को गवाही होगी। वहीं राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कराने वाले अब जरा बीजेपी नेता विजय मिश्रा को भी सुनिए कि आखिर उन्होंने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। कहना है आपका इस बारे में, चूंकि आप मुकदमावादी हैं? जी, राहुल गांधी जी के बारे में मुझे जो कहना था वो तो मैं पूर्व में ही कोर्ट में कह चुका हूं। आज अभियुक्त के नाते उनका बयान था, बयान उन्होंने अपना दर्ज कराया और कोर्ट से माफ़ी मांगा। जो बीच में कोर्ट में कई पेशी पर नहीं आए थे उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा। अगली 12 अगस्त को डेट पड़ी है, आज इतना ही हुआ। राहुल गांधी ने कोर्ट में शायद ये कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र इसको बताया है, ये कहा है, उनका अपना कहना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये तो राहुल गांधी जी को कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 8 मई 2018 को एक बंगलौर में एक प्रेस वार्ता के दौरान तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को हत्यारा शब्द कह के अपनी बात रखी थी प्रेस वार्ता के दौरान, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें कही थी, जिसको लेकर के काफ़ी मुझे क्षोभ हुआ था। उस समय मैं पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सुल्तानपुर अमेठी का चेयरमैन था। कई कार्यकर्ताओं ने आकर के मुझसे कहा कि आप ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हत्यारे हैं, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी मैंने क्लिप देखा, वीडियो सोशल मीडिया पर देखा और प्रिंट मीडियम देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम देखने के बाद, इसकी प्रमाणिकता जांचने के बाद मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से राय मशविरा करके फिर 8 अगस्त 2018 को एक बात प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय में, जिसके तहत ये संपूर्ण मुकदमा आज तक चल रहा है। बता दें कि राहुल गांधी 2018 के मानहानि मामले में पेश होने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर केस दर्ज किया गया था। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दिसंबर 2023 में
गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद 20 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी। लेकिन अब एक बार फिर राहुल गांधी इस मामले में कोर्ट में पेश हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।